मित्रों नमस्कार, मैं जादूगर राजू गोरखपुरी। मैं फिर से एक नया जादू, एक नया ट्रिक, पेपर एंड रुपी मैं लेकर आया हूँ। ये रुपए और एक पेपर का लिफाफा है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मित्रों, हमारे पास एक नोट है और एक लिफाफा है, मैं इसी से आपको जादू दिखाऊंगा। मैं एक नोट से कई नोट बनाकर दिखाऊंगा। तो मित्रों, अगर देखने के बाद अगर मेरा जादू अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मित्रों, मैं जादू को आरंभ करने जा रहा हूँ। जादू दिखाने के बाद मैं आपको जादू सिखाऊंगा भी। तो मित्रों, हमारे पास ये देख लीजिए एक लिफाफा है जो कि बिल्कुल खाली है। ये देख लीजिएगा, ये बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, मैं एक 500 का नोट, एक 500 का नोट 500 रुपीस, तो मैं इसके अंदर डाल दे रहा हूँ। डालकर अब मैं इसी से आपका जादू दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिएगा, हम इसे आपके सामने फोल्ड कर दे रहा हूँ। फोल्ड करने के बाद मैं इसे फेविक्विक से मैं इसे चिपका भी दे रहा हूँ। ये देखिएगा, मैंने फेविक्विक लगाकर इसे चिपका दे रहा हूँ। ये देखिए, अब हम इसे चिपकाने के बाद अब मैं थोड़ा इसमें जादू करूँगा कि जिससे एक नोट से कई नोट बना सकें। तो मित्रों, मैं इसमें जादू कर रहा हूँ। जादू करने के बाद मैं इसे फिर काट कर रुपए को निकाल के दिखाऊंगा। तो गिली 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 छू, एक से अनेक नोट बन जा। हेलो बन जा मेरे भाई, आबरा की डाबरा। अब आपके नज़रों के सामने हम इसे काट दे रहे हैं। ये देखिए, अभी अभी चिपकाए हैं, मैं इसे काट कर आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने काट दिए। काटने के बाद अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये देखिएगा, मैंने 500 का नोट डाले थे और ये अभी फ़िलहाल 200 का नोट निकाले। फिर ये देखिए, ये 100 रुपये का नोट है, मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ। फिर इसमें 200 का नोट फिर निकाले। ये देखिएगा, अब हम इसमें, ये देखिएगा, ये 500 का नोट है, मैं आपकी नज़र के सामने रख रहा हूँ। आपके आंखों के सामने जो भी करूँगा सब आपके आंखों के सामने ही करूँगा। इसमें देखिए बहुत सारे नोट है आ चुका है। ये देखिए, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, जो है सब आपके आंखों के सामने, मैं सब नोट को निकाल निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, अभी शायद इसमें और है। ये देखिएगा, ये देखिएगा। तो मित्रों, मैंने जो नोट डाले थे इसमें एक नोट डालकर एक से अनेक नोट बनाकर दिखाए। ये देखिएगा, इसमें हम एक से अनेक नोट बनाकर दिखाए और आपके आँखों के सामने
ये देखिएगा ये खाली हो चुका है, इसमें कुछ नहीं है। मैंने जो अभी फेविक्विक के माध्यम से पैक किए थे ये बिल्कुल काट के निकाल कर दिखाया, और वही लिफाफा है, कोई दूसरा चेंज भी नहीं है कि चलिए हम चेंज कर दिए। देखिएगा ये हमारे पास वो एक ही लिफाफा था। तो मित्रों मेरा जादू कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि मेरा हर वीडियो जो भी मैं रोज़ का रोज़ डालता हूँ वीडियो वो आप रोज़ देख सकें। तो मित्रों मैं इसका रहस्य बताने जा रहा हूँ, आप अंत तक बने रहिएगा तभी आप सीख पाएंगे। तो मित्रों इसके लिए आपको कुछ मोटे पेपर की ज़रूरत पड़ती है, आप कोई सभी पेपर यूज कर सकते हैं। तो मित्रों ये देखिए इस तरह का, हम ज़्यादा लंबा समय न के कारण हम काट लिए हैं। आप इस तरह का तीन पीस ले लेंगे लिफाफा बनाने के लिए। जैसे ये लिफाफा बना हुआ है इस तरह से एक लिफाफा बनाएंगे। इस लिफाफा बनाने के लिए हमें तीन पीस की ज़रूरत पड़ती है, जो पेपर है ये तीन पीस होना चाहिए। तो इसी हम क्या करते हैं, तीनों को ऐसे एक में चिपका देते हैं। चिपकाने के साथ इसे हम एक पेपर जो है थोड़ा सा आगे करते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं, और दूसरा पेपर जो है हम इस तरफ आगे करते हैं। इसके बाद हम फेविक्विक के माध्यम से इसे हम चिपका देते हैं। ये देखिएगा हम पहले इसको चिपका दे रहे हैं, इसे चिपका दे रहे हैं और इधर से भी चिपका दे रहे हैं, और इधर से भी चिपका दे रहे हैं। एक साइड आप छोड़ देंगे, कोई भी एक साइड आप छोड़ देंगे। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो एक ही कलर का पेपर होना चाहिए अंदर बाहर। मैं आपको सिखाने के लिए इस तरह से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये हो गए, फिर इसे जो है अभी इतना हम आगे निकाले हैं, इतना आगे निकाले हैं कि इतना ही इस तरफ निकालेंगे, इसे हम इस तरफ भी निकाल देंगे। तो इस तरह से हम फिर से चिपका देते हैं इसको। अब यहाँ से अब चिपकाना है, एक खुला हुआ है तो इधर आप इधर इसे खोलेंगे, हम इसे चिपका दे रहे हैं। देखिए हम इसे इस तरफ चिपका देंगे, इस तरह हम चिपका दिए। चिपकाने के बाद इसे भी हम फोल्ड कर देते हैं। ये हमारा बनके मैजिक तैयार हो गया। अब इधर देखिएगा खाली है, इधर खाली है। अब आप दिखाएंगे तो ये यहाँ से सिर्फ अंदर ही अंदर दिखेगा,
और यहाँ से। अब यहाँ क्या करते हैं कि ये एक नोट जो है, जैसे हम आते हैं तो आने से पहले, इस मैजिक को करने से पहले, ऑडियंस के सामने जाने से पहले, हम ये नोट जो होता है किसी भी तरफ से एक तरफ हम इसे पूरा भर देते हैं। ये देखिएगा, पूरा नोट हम इसके अंदर डाल देते हैं। पहले डालने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसे पहले चिपका देते हैं, फेविक्विक के माध्यम से हम इसे चिपका देते हैं। हम चिपका कर इसे पहले से तैयार कर लेते हैं। थोड़ा गीला है, थोड़ा टाइट नहीं हो रहा है, लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको। तो मित्रों, हम ये नोट पहले डाल लेते हैं इसके अंदर। डालने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ जब ऑडियंस के सामने जाते हैं तो हम इस पेपर को दिखाते हैं इस तरह से कि देखिएगा, ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ जो है, जब हम दिखा लेते हैं कि इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये नोट को इसी के अंदर डालते हैं। डालने के बाद मान लीजिए, ये नोट हम डाल दिए इसके अंदर। डालने के बाद हम इसे मोड़कर फेविक्विक के माध्यम से इसे पैक कर देते हैं। अब ये नोट तो इसी के अंदर पैक हो गया, और बातों ही बातों में इसे हम पलट देते हैं, और ये वाला सिच जो है नोट, इसे हम कैंची के माध्यम से इसे हम काट देते हैं। ये जो है हम कैंची के माध्यम से काट दे रहे हैं, कैंची के माध्यम से हम इसे काट देते हैं। और काटने के बाद हम इसमें हाथ डालकर और एक एक नोट अपना निकालते रहते हैं इस तरह से, एक एक नोट अपना निकालते रहते हैं इस तरह से, और ऑडियंस को दिखाते हैं। देखिए, एक नोट डाले और एक से अनेक नोट बना दिए। तो इस तरह से हर नोट को हम निकाले और निकाल कर हम दिखाने शुरू कर दिए। मित्रों, ये जादू कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, या अगर सब्सक्राइब कर चुके हों तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ बाय, ओके, फिर मिलेंगे।